मेडिटेशन से सबसे मेन यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है लाइफ में बहुत आया है। पहले मैं भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती थी, कुछ भी गलत होता था तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाती थी, तुरंत रिएक्ट कर देती थी। लेकिन अब मेडिटेशन से धीरे धीरे मेरा रिएक्ट करना कम हो गया है। फ्रेंड्स, मैं संगीता सचान कानपुर से हूँ। ध्यान के बारे में मैंने सुना तो था फ्रेंड्स, बट जानती नहीं थी कि ध्यान क्या होता है। पढ़ने का बहुत शौक था, बुक्स पढ़ती थी, आध्यात्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ती थी और पूजा पाठ भी बहुत करती थी। एक तरीके से एक साधना चल रही थी काफ़ी सालों से, बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन उनका कोई जवाब देने वाला नहीं था, क्यों है ऐसा। और बचपन से भी बहुत मैं देखती थी स्काईज को देखना, स्टार्स को देखना, ब्रह्मांड क्या है, कहाँ तक लिमिट है, लेकिन जवाब नहीं मिल पाता था कुछ भी। और फिर जब बड़ी हुई तो चैलेंजेस बहुत आ गए लाइफ में, मदर बहुत जल्दी मेरी चली गई। इसके बाद फिर अपनी जॉब और मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाना और क्वेश्चंस फिर भी बराबर ये आते रहते थे कि ये मैं क्यों आई हूँ, लाइफ किस लिए मिली है, क्या ऐसे ही है ये लाइफ, बस ऐसे ही चली जाएगी। तो कोई जवाब कहीं से कुछ नहीं मिल पा रहे थे। कितनी भी मैं पूजा करती थी, बिल्कुल रूटीन था कि इतना करना ही है, पाठ करने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन फिर भी अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो इधर जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ तो घर में मैंने फिर बुक्स पढ़ना और ये वीडियोस यूट्यूब में थोड़ा देखना शुरू किया, तो काफ़ी कुछ मिल रहा था। लेकिन फिर एक दिन महाशिवरात्रि 2021 इसी साल, मैं रात में महाशिवरात्रि पर ही प्रोग्राम कोई देख रही थी और उसके बाद एकदम से यूट्यूब में सुवर्णा मैम का आत्मा की यात्रा का वीडियो आ गया, तो वो एकदम से मैंने क्लिक कर दिया। तो उसको मैंने सुना और उसमें उन्होंने पत्री सर का नाम लिया दो बार, तो मुझे थोड़ा नाम भी अजीब सा लगा, पत्री सर ये कौन है पत्री सर। फिर नेक्स्ट डे मैंने गूगल पर सर्च किया उनको और उनके बारे में जब उनको देखा, उनके वीडियोज़ देख के सुने, तो एकदम से जैसे मैग्नेट की तरह मैं बिल्कुल अट्रैक्ट हो गई उनसे कि जो मैं ढूंढ रही हूँ, जो जवाब मुझे चाहिए, वो सब जो है बिल्कुल पूरे यहाँ पर मिलते चले जा रहे हैं। PSM में पूरे सारे जवाब, सारे क्वेश्चंस के मेरे आंसर्स मिलते चले जा रहे थे पत्री जी से, तो मैं एकदम से बहुत अट्रैक्ट हुई। और उसी समय फिर हरिद्वार का सेशन भी शुरू हो रहा था, लेकिन 26, 27, 28 बट मैं आ नहीं पाई थी हरिद्वार। और जैसे ही सर फिर दिल्ली आए तो मैं रोक नहीं पाई और मैं दिल्ली चली आई, उनसे मिली। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व देख करके कि वाकई में कि हम गुरु देखते थे तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। कोई उनके अंदर गुरु तो कहते ही नहीं कि मैं गुरु हूँ, वो कहते हैं आप खुद ही स्वयं गुरु हैं, आपकी सांसें ही आपके गुरु हैं। बिल्कुल डिफरेंट, सबको अपने साथ बिठाना, तो ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था। और जब मैं हनुमान जी को, मैं बहुत ज़्यादा उनसे अटैच्ड हूँ, तो मैं उनसे कहती थी कि क्या लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी कि कोई गुरु मुझे नहीं मिलेंगे। जैसे पहले सुनती थी सतयुग में इतने महान महान ऋषि मुनि हुए, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्शन रहता था, हिमालयाज, हिमालय के योगी और सब कुछ। लेकिन स्वयं सोचती थी कि क्या इस युग में मिलेंगे, ये जो कलयुग जिसे हम कहते हैं, कि क्या इस युग में भी कोई ऐसे गुरु होंगे, ऐसे महर्षि कोई होंगे, कोई ऋषि होंगे। तो जब पत्री सर को देखा तो वाकई में वो हनुमान जी ने मुझे उनसे मिला दिया, क्योंकि मैं उनको तो दर्शन मैं कर चुकी थी, हनुमान जी को मैं साक्षात मुझे सामने बिल्कुल दर्शन मिले, लेकिन मुझे लगता था आपके दर्शन तो हुए लेकिन मैं कुछ
कह नहीं पा रहे जो मुझे चाहिए, सिर्फ दर्शन देखने से मैं क्या करूँ। मुझे तो कोई गाइड करने वाला होना चाहिए ना, कि जो बताए कि हाँ क्या सही है और क्या करना है, अब क्या नहीं है। तो वो गाइडेंस अब उन्होंने सीधे से मुझे गुरु से मिला दिया, पथरी सर से, कि देखो तुम्हें चाहिए थे ना कि जो बताएं, बोल करके बोलें। उसके बाद फिर बस जब मैं वापस आई तो जो ध्यान मैंने सीखा आनापानासती, कि कुछ भी नहीं करना है, नथिंग, सिर्फ बैठना है शांत हो करके और अपने अंदर जाना है, और सारे जवाब हमें अपने अंदर ही मिलेंगे। तो जब मैं इसको मैंने शुरू किया करना, तो इतना अच्छा लगने लगा मुझे ध्यान से, कि जो मैं देख रही थी कि इतने गुरु और सब कुछ जो है, तो वो ध्यान में फिर मुझे वो खुद दिखने लगे, ध्यान में कनेक्शन उनसे होने लगा ध्यान में। और फिर मैंने देखा कि माइंड इतना रिलैक्स फील होता था ध्यान करने के बाद, एकदम से शांत। फिर मैंने, जैसे कि सर ने कहा है कि अगर आप सीख रहे हैं तो दूसरों को भी सिखाना है हमें ध्यान, मैंने अपने स्कूल में अपनी क्लास में बच्चों को शुरू किया सिखाना मेडिटेशन के। पहले मैं उनको प्राणायाम वगैरह कराती रहती थी बीच बीच में, जब भी टाइम मिलता था, लेकिन अब मैंने उसमें जोड़ दिया मेडिटेशन। तो उस समय अप्रैल में, क्योंकि कोविड का स्टार्ट हो गया था फिर से, तो 10-15 दिन करा पाए और फिर ब्रेक हो गया। लेकिन इस जुलाई से फिर जब रेगुलर स्टार्ट हुआ, तो मैंने फिर डेली क्लास में अपना पीरियड पढ़ाने के पहले 10 मिनट 7-10 मिनट्स तक का मैंने डेली उनको कराना शुरू कर दिया मेडिटेशन। और बच्चों के इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आए डेली उनको जो है, और सबसे मेन कि उनका कंसंट्रेशन अब बढ़ रहा था। अब वो अपने आप ही पहले से कह देते थे, मैम पहले प्लीज़ मेडिटेशन करा दीजिए पढ़ाने के पहले। तो उनको मैंने डेली कराना शुरू कर दिया, और उनका कंसंट्रेशन, और उनके अंदर से मैंने कहा कि कोई कोरोना का कोई डर नहीं है, हमारा सारा डर इस ध्यान से ही रिलीज़ हो जाएगा, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनके अंदर का डर भी सारा रिलीज़ होने लगा। और फ्रेंड्स, बच्चे तो कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको सिखा रही हूँ और आपने सबको सिखाना है घर में भी, तो उन्होंने घर में भी बताया। अब वो घर में मोस्टली मानिए कि 60-70% बच्चे जो है घर में डेली कर रहे हैं मेडिटेशन, और कुछ बच्चों के साथ साथ अब बोले कि मैम मेरे पेरेंट्स भी बैठ रहे हैं, मेरी एल्डर सिस्टर बैठ रही है, या मेरा ब्रदर भी बैठ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन जो है बढ़ रहा है, पढ़ाई पर फोकस पहले से बढ़ गया है, सब्जेक्ट्स उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पहले जैसे थोड़ा सा शोर मचाते थे या शैतानियाँ करते थे, तो खुद कह रहे हैं मैम अब तो घर में भी इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा तुम कर रहे हो मेडिटेशन, वो बहुत खुश हैं उनसे। एंड सेकेंडली कि जो डर था उनके अंदर, कुछ बच्चे जैसे कहते हैं मैम पहले मुझे डर लगता था कि कमरे में जाने में, अंधेरे में मैं नहीं जाती थी, तो अब वो कह रहे हैं कि मैम मेरा सारा डर रिलीज़ हो चुका है, अब मुझे डर नहीं लगता है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कमरे में, रात में, घर में, कहीं भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा तो मेडिटेशन से हमारे अंदर का फियर रिलीज़ हो जाता है, डर, किसी भी तरह का डर होगा वो रिलीज़ हो जाता है, एंड हमारे अंदर प्यार आ जाता है, करुणा आ जाती है हमारे अंदर दूसरों के लिए, एनिमल्स के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए वननेस की फीलिंग होने लगती है हमारे अंदर, कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है हमारे में, हमारी सोल एक ही है। तो सबसे ज़्यादा तो ये अच्छा लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ रहे हैं, उनके अंदर एनिमल्स के लिए बहुत प्यार पहले से बढ़ गया है। और मैंने उनसे कहा कि हम सभी अपने फ्रेंड्स बढ़ाएंगे, इस ह्यूमन ड्रेस वाले नहीं, बल्कि जो दूसरी ड्रेस वाले ये छोटे छोटे जो फ्रेंड्स हैं, इनकी संख्या अब हम बढ़ाएंगे अपनी। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड सर्कल बढ़ानी शुरू कर दी है, किसी के डॉगी से फ्रेंडशिप हो गई है, किसी के स्क्वायरल से, किसी की बर्ड से फ्रेंडशिप हो रही है, और सब जो है उनको जो है छत पे मैंने बोला कि आप उनको अब जो है दाना रखेंगे या पानी रखेंगे, तो अटैच हो रहे हैं मेडिटेशन से। सबसे मेन ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है लाइफ में बहुत आया है। पहले मैं भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती थी,
कुछ भी गलत होता था तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाती थी, तुरंत रिएक्ट कर देती थी। लेकिन अब मेडिटेशन से धीरे धीरे मेरा रिएक्ट करना कम हो गया है। एकदम से तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल कम हो गया है, बट अब चेंज आ रहा है। अब मैं रिस्पॉन्स करना सीख रही हूँ कि उस सिचुएशन में मुझे रिस्पॉन्स कैसे करना है, कैसे शांत रहना है और कैसे उसको वॉच करना है और फिर जो है उस पर रिस्पॉन्स करना है। फ्रेंड्स, इस समय मैं यहाँ करताल में हूँ और करताल में भी इतना अच्छा लग रहा है, पिरामिड, महेश्वरा पिरामिड, वहाँ मेडिटेशन करके बहुत ही अद्भुत है यहाँ पर। और एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, घर से ही मिलने शुरू हो गए थे जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन। महावतार बाबा जी, रामकृष्ण परमहंस जी, शिव बाबा, बहुत सारे ऋषि मुनि के मुझे दर्शन ध्यान में मिले हैं। लेकिन हम उन पर ज़्यादा फोकस ना करके मेन ये है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है लाइफ में। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो रहा है फ्रेंड्स, और मैं यही कहूँगी कि आप सब जो है ध्यान में आइए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने शांत होकर के बैठना है। और जो हमारा ये मंकी माइंड इधर उधर हमें भगाता है बाहर की दुनिया को वॉच करने के लिए, हमें अपने अंदर जा कर के देखना है कि हम कौन हैं। और जिस दिन हम वो देखने लग जाएंगे, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। हमें कहीं बाहर किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा, हमें अपने इनर से सारे जवाब मिलने लगेंगे कि मुझे क्या करना है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेडिटेशन को अपनाएं और अपने अंदर की बहुत सारी देखिए कि बीमारियां भी बहुत सारी रिलीज हो जाती हैं, जो हमारे डर की वजह से होती हैं वो अपने आप रिलीज होने लगती हैं। तो आप सभी भी मेडिटेशन ज़रूर करें, आपको कुछ नहीं करना है, ना आपका कोई खर्च हो रहा है, ना किसी को कुछ देना है। सिर्फ आपने शांत होकर के अपनी ब्रीदिंग को देखना है, अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को, बस उसी को आप देखिए, ऑब्जर्व करें। नमस्ते फ्रेंड्स।